फिल्मी गाएंगे। शिकारी चला गया, तिरछी नजर की मार कतारी चला गया, तो ब्रज नारियों को छोड़ बिलखता हुआ ब्रज में मथुरा नगर को वो बांका बिहारी चला गया। अच्छे उनकी कहानी भी अच्छी, आपका लड़कपन भी अच्छा और जवानी भी अच्छी, तो आपके चलाए तीर को मैं क्यों ना दूं दिल में जगह, आपका निशाना भी अच्छा और निशानी भी अच्छी। अरे कब मैं ऐसे ही मस्ती में गाना चाहिए। और जो भैया लोग बस मेरा गीत सुन लीजिए, मैं यही निवेदन चाहता हूँ। प्रहलाद जी जब अपने महल से बाहर निकले तो देखा कि एक आवा लगा, जो कुम्हार लोग होते हैं प्रजापति लोग, तो मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए जो आवा लगाते हैं, उस आवे में बिल्ली और बिल्ली के बच्चे चले गए। जब चले गए तो प्रहलाद जी ने कहा इसमें आग लगा दी जाएगी और बिल्ली भी मर जाएगी, बिल्ली के बच्चे भी मर जाएंगे। कहते हैं मारने से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। दादाजी
मारने से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। प्रहलाद जी दूसरे दिन आए, आग बुझ गई, देखा कि बिल्ली भी बच गई और बिल्ली के बच्चे भी बच गए। तब प्रहलाद जी को भक्ति जागृत हो गई, तो देख दशा उसी की चकनाए। समझे ना तुम्हें राम की माया। क्यों ना समझे दादाजी? क्योंकि मंदोदरी कह रही है राम रघुवंश मणि रघुवर है, राम रघुवंश मणि रघुवर है, ये स्वयंवर नहीं स्वयंवर है, यही सुबाहु मारने वाले, यही सुबाहु मारने वाले, यही बाली पछारने वाले, जो वास्तव में काबिले तारीफ है, लेकिन बस दुख इस बात का है कि ये आपके घर का गीत है, बस इतने जल्दी में गाना क्या? अरे टाइम टाइम माना, लेकिन टाइम में कुछ रस्में भी निभाई जाती हैं। बिल्कुल भाई, गीत को गीत के तरीके से गाइए और क्या, तो लगता है कि हाँ गीत गाया गया है। सब गड़बड़ कर रहे हो, इतनी जल्दी अगर करोगे तो मजा नहीं आता है। सुनेगा आप लोग, आपने बहुत प्यारा गीत दिया। और मुख देखूंगी जिसमें वो मेरा
तन तन कैसा होगा। अरे क्या तुझे है पता अब की मरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अरे सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो त्रेता द्वापर तीन जगह दिखाए हैं। हालांकि मंदोदरी जी भी इस बात को कह सकती हैं कि जिसका नौकर ऐसा उसका मालिक कैसा होगा। कई जगह से जवाब आ सकता है लेकिन एक अच्छी जगह से आपको जवाब देने जा रहा हूं, सुनिएगा। एक नाम है एक नाम है हरि का नाम है उस नाम से सबको काम है। समझो बेटे प्रहलाद सोच रहा है केवल एक नाम ऐसा है श्री हरि कि उस नाम से सबका बेड़ा पार हो जाता है। जिसने बिल्ली के बच्चों को बचा दिया वो बचाने वाला कैसा होगा तो सुनेगा हुआ क्या। और इसी जवाब के हमारे भैया माननीय सम्मानी शिवम यादव जी सनौत माननीय सम्मानी परमादरणीय राजपाल सिंह जी CRPF इंडिया भैया तर्ज सुनना चाहते हैं वो फिरकी वाली तू कल फिर आना जरूर इस राउंड के बाद आपको हम जरूर सुनाएंगे। इसमें कुछ भैया की तरफ से एक रुपए का आशीर्वाद आया है बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद। सुनिएगा एक नाम है हरि का नाम है और उस नाम से सबको काम है। जिसके नाम पे मुनि मोहे ये जिसके नाम पे मुनि मोहे जग रचैया कैसा होगा। और इस प्रहलाद को जब देखा संडा मर्क जी ने तो वो सोच रहे हैं इस बचपन में इतना धीरज अरे इसका धीरज ऐसा तो धीर धरैया कैसा अरे इसका धीरज ऐसा तो धीर धरैया कैसा हो गाते थे नारद मुनि ज्ञानी हाँ ज्ञानी ये बात क्या बात बेटे दूसरा आंकड़ा सुनिएगा भैया सचदेवा जी अरे गाते थे नारद मुनि ज्ञानी हाँ ज्ञानी और शिव शंकर और वाणी गाते थे नारद मुनि कपि का गीत बुलंद हुआ है
तब का गाना बंद हुआ है। अरे मुनियों का मन मोहे वो अंजनी छैया कैसा होगा कि उसका गीत है ऐसा गीत गवैया कैसा हो। सभी देवता स्नान कर रहे हैं, भगवान हरि और भगवान शिव इन सब के राम नाम की धुन लगी हुई है। लेकिन जिस समय कपिराई भगवान हनुमान जी ने भगवान राम के नाम का उच्चारण किया सबके गाना बंद हो गए। वाह, क्योंकि राम का नाम भगवान हनुमान से अच्छा कोई नहीं ले सकता। अरे मुनियों का मन मोहे अंजनी छैया कैसा होगा, उनका गीत है ऐसा तो गीत गवैया कैसा होगा। अंतिम बात द्वापर की, रास रचाते क्या बात बेटा, किसन कन्हाई तो धुन सुन ब्रजी बालाए धाई, जिसने रास रचाया भैया राजपाल भैया, अरे जिसने रास रचाया रास रचैया कैसा होगा, और जिसकी बंसी प्यारी बंसी बजैया कैसा होगा। बंसी ऐसी बंसी बजैया कैसा होगा भैया, हमारे माननीय